हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इडली की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये फटाफट बनकर रेडी भी हो जाती है। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम इडली का बैटर लेंगे और इस बैटर का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। इडली का बैटर इस कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से नमक को मिला लेते हैं बैटर में। और नमक हमें पहले से मिलाकर नहीं रखना है, इडली बनाते टाइम ही मिलाना है। तो अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है इडली बनाने के लिए। तो हम गैस ऑन करके एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा लेते हैं और फिर इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। हम इसमें पानी उतना ही डालेंगे कि इडली का जो स्टैंड है उस पानी को टच ना कर पाए। तो अब इसे कवर करके बॉईल होने देते हैं। तब तक हम इडली के स्टैंड में ये बैटर को डाल देंगे। सबसे पहले इसे अलग अलग कर देंगे। अब हम इसमें तेल लगा देंगे इस तरह से। हम सारे ट्रे में अच्छे से तेल लगा देंगे ताकि इडली जो है चिपके नहीं। तो मैंने सारे में तेल लगा दिया है। अब हम इस ट्रे में इडली का बैटर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये इडली का बैटर हम इसमें पूरा नहीं भरेंगे, बस 80% तक ही भरना है क्योंकि इडली है वो फूलने के बाद और बड़ी हो जाएगी, तो इसे पूरा नहीं भरेंगे। अब हम दूसरे ट्रे को भी इसी तरह से फिल कर देंगे। तो अब ये इडली का बैटर ट्रे में डल चुकी है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि पानी बॉईल होने लगी है या नहीं। तो ये पानी अब बॉईल होने लगी है। हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और ये इडली का स्टैंड इसके अंदर डाल कर रख देंगे। थोड़ा ध्यान से डालना है ताकि हाथ जो है जले नहीं। तो अब इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये क्लीन निकला है, तो इसका मतलब है कि इडली पक गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इडली के स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने इडली के स्टैंड को बाहर निकाल लिया है और ये थोड़ी ठंडी भी हो गई है। तो अब हम ये इडली को ट्रे से बाहर निकालेंगे। उसके लिए हम एक चाकू लेंगे और इस तरह से अंदर गोल घुमाते हुए इडली को निकाल लेंगे। तो ये देखिए इडली जो है एकदम परफेक्ट बनी है। तो एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से बाकी इडली को भी ट्रे से निकाल लेंगे। तो ये हमारी इडली बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।